हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 3 बेस्ट स्मार्टफोन सेलेक्ट किया हूं, जो 10 से 11,000 के प्राइस रेंज में आ जाएगा, जिसमें आपको 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज मिल जाएगा एंड धातु प्रोसेसर मिल जाएगा एंड 64MP तक कैमरा, साथ ही 5000mAh तक का बैटरी भी मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों नंबर 3rd पर आता है रियलमी के तरफ से रियलमी C33। तो चलिए जान लेते हैं इस फोन के बारे में क्या कुछ इस फोन में दिया गया है। अगर इनकी बॉडी की बात करें तो ड्यूल ग्लास फ्रंट, प्लास्टिक फ्रेम, प्लास्टिक बैक दिया गया है। साइज में फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा। वेट 180 ग्राम, डायमेंशन 8.3mm एंड 3.5mm का जैक मिल जाता है। ओवरऑल देखे तो इस फोन का जो डिजाइन है आपको नाराज नहीं करेगी। दोस्तों अगर इनकी डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले, साथ ही 400 nits का ब्राइटनेस मिल जाता है। 82% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो एंड 20:9 रेजुलेशन मिल जाता है। अगर इनकी कैमरा की बात करें तो डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें 50MP प्राइमरी एंड 2MP डेप्थ कैमरा मिल जाता है एंड आपको 5MP सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। साथ ही आप 1080p/30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो यूनिसॉक टाइगर 3/6 का ऑक्टा कोर मिल जाता है। दोस्तों ये फोन एंड्रॉइड 12 रियलमी UIS पर बेस है। इसमें आपको 5000mAh का बैटरी, साथ ही 10W का चार्जर का सपोर्ट मिल जाता है। 4GB रैम एंड 64GB स्टोरेज मिल जाता है। ओवरऑल देखे तो 10 से 11,000 के प्राइस रेंज में आपको एक बेस्ट स्मार्टफोन मिल जाता है अभी के टाइम में। सेकेंड नंबर पे आता है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी S04। दोस्तों अगर इनकी बॉडी की बात करें तो ड्यूल ग्लास फ्रंट, प्लास्टिक बैक, प्लास्टिक फ्रेम, वेट 180 ग्राम, डायमेंशन 9.5mm, रियर साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, 3.5mm का जैक एंड साथ ही स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है। दोस्तों अगर इनकी डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है। 81% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाता है एंड रेजुलेशन 20:9 मिल जाता है। अगर इनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो मीडिया टेक हीलियो P35 का 12nm बड़ का ऑक्टा कोर मिल जाता है। ये फोन आपको OS Android 12 One UI पर बेस है। दोस्तों अगर इनकी कैमरा की बात करें तो इसमें डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें 13MP वाइड एंगल, 2MP डेप्थ कैमरा, 1080p/30fps तक आप इसमें वीडियो भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं एंड 50MP तक सेल्फी कैमरा मिल जाता है। LED फ्लैश जैसे फीचर इसमें मिल जाते हैं। इसमें आपको 5000mAh तक बैटरी एंड साथ ही 3W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाता है। और इनकी मेमोरी की बात करें तो माइक्रो SD डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाता है। इसमें 4GB रैम एंड 64GB स्टोरेज मिल जाएगा। ओवरऑल देखें तो आपको 11,000 के अंडर में एक अच्छा स्मार्टफोन मिल जाता है अभी के टाइम। दोस्तों नंबर 1st पर आता है पोको की तरफ से पोको M4 प्रो। चलिए जान लेते हैं इस फोन के बारे में क्या कुछ इस फोन में दिया है। अगर इनकी डिजाइन की बात करें तो ड्यूल ग्लास फ्रंट, जिसमें गोरिल्ला ग्लास 3 मिल जाता है, प्लास्टिक फ्रेम एंड प्लास्टिक बैक मिल जाता है। वेट 170 ग्राम, डायमेंशन 8.1mm, साथ ही USB टाइप सी मिल जाता है एंड 3.5mm का जैक विद स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है। डिजाइन बोले तो वाओ। अगर इनकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले एंड वो 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। इसमें 1000 nits पीक ब्राइटनेस मिल जाता है, 84% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाता है, रेजुलेशन 20:9 एंड प्रोटेक्शन गोरिल्ला ग्लास 3 मिल जाता है। ओवरऑल देखें तो इस फोन का डिस्प्ले आपको धोखा नहीं देगी, आप मीडियम टू हाई लेवल तक आप गेमिंग स्मूथली कर सकते हैं। दोस्तों अगर इनकी कैमरा की बात करें तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें 64MP वाइड एंगल, 8MP अल्ट्रा वाइड एंड 2MP माइक्रो लेंस मिल जाता है, 60MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। आप इसमें भी 1080p/30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये कैमरा में भी आपको कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं होगी। 10 से 11,000 के अंडर में आपको एक अच्छा कैमरा वाला भी स्मार्टफोन मिल जाता है। इसमें LED फ्लैश HDR जैसे फीचर मिल जाते हैं, आप 1080p/30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर इनकी प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek Helio G95 का 12nm वाला ऑक्टा कोर मिल जाता है। इसमें 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज मिल रहा है। ओवरऑल देखें तो आपको एक अच्छा स्मार्टफोन मिल जाता है अभी के टाइम में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम